पिछली क्लास में जो बताया था, अभी क्या बताया था? पेज लेआउट टैब में, यहाँ से यहाँ तक हो गया था बैकग्राउंड, बैकग्राउंड तक हो गया था, आ गया प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया तक हो गया था, आ गया समझ। ठीक, अब अपन आगे करते हैं। देखिए अगला ऑप्शन है ब्रेक्स, इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक और रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स। अपन ने ब्रेक नहीं, एक बार और बता दें। ठीक है, पहले हम ये बता देते हैं, फिर आपको ये बता सकते हैं। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपनी एक्सेल की सीट है बहुत बड़ी है, इस पर एक से ज्यादा पेजेस होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या चाहते हैं कि कोई सा जो मैटर है, आप एमएस वर्ड में क्या करते थे, पेज ब्रेक करने के लिए आप पेज ब्रेक कर देते हैं तो वो अगले उस पर चला जाता है मैटर जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी पेज ब्रेक कर सकते हैं। हम फाइल पर जा रहे हैं, ओपन पर जा रहे हैं, अपन सेव की हुई फाइल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसमें तो बहुत है। फिर से हम फाइल पर जा रहे हैं और ओपन पर जा रहे हैं, यहाँ से हम जैसे कि मार्कशीट ओपन कर लेते हैं अपनी, इसमें अपनी मार्कशीट है। ठीक है, तो अभी मार्कशीट आप कंट्रोल पी कर रहे हैं, यहाँ से हमने कल आपको बताया था ये कैसा है, नॉर्मल व्यू है। आप इसको प्रिंट लेआउट व्यू में देखना, पेज लेआउट व्यू में देखना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं आप जब ये प्रिंट करेंगे आप, तो एक पेज पर कितना मैटर आपका आएगा। तो आप यहाँ से पेज लेआउट व्यू पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो डाटा है इस तरह से आएगा, मतलब आधा इस पेज पर आ रहा है, आधा इस पेज पर आ रहा है, लेकिन इस तरह से आ रहा है आपका, ये पेज वन है, पेज टू है, पेज थ्री, पेज फोर, इस तरह से है। हम इसको नॉर्मल मोड पे कर देते हैं, यहाँ से नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि आप इंसर्ट पर जा रहे हैं, सॉरी पेज लेआउट पर जा रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक्स का ऑप्शन आपको मिलता है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पर हमारा जो मैटर है यहीं तक होना चाहिए, इसके आगे का मैटर है अगले पेज पर आना चाहिए। तो आप यहाँ से ब्रेक्स पर जाएंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। अब आप इस पे जाइए तो आप देख पा रहे हैं ये आपका एक पेज पर इतना मैटर आएगा, अगले पेज पर अगले पेज, आए समझ में? आप इसको इस तरह से खिसका सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका मैटर आधा आधा चला जाएगा। ठीक है, आप जब इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखेंगे, ये दोनों समझ में आए, ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने किस जगह पर पेज ब्रेक किया था, ये देखिए किस जगह पर पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, और ये बता भी रहा है ये पेज थ्री है आपका और ये पेज फोर है। ठीक है, इस तरह से अब अपन यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल होते हैं। ठीक है, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो इसी तरह से प्रिंट होगा, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, पेज को तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्लैंक आएगा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, सेम वैसे। क्या नहीं, उसके लिए आपको पूरे पेज पर करना पड़ेगा इसको। अभी आपने क्या किया है, इतने ही पेज पर किया है तो इतने पेज पर आ रहा है। आप इस डाटा को बड़ा कर दीजिए, एक पेज पर सेट कर दीजिए, तो फिर वो उतना आने लगे। ठीक है, इतना क्लियर है पेज ब्रेक। अब आपको क्या करना है, पेज ब्रेक हटाना है। आप यहाँ से करेंगे रिमूव पेज ब्रेक या फिर रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां आपने पूरी सीट में पेज ब्रेक किए होंगे उस सब जगह से वो रिमूव हो जाएगा, और अगर आप ओनली एक जगह से करना है तो रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे, अपन अभी इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखते हैं, अभी भी है पेज ब्रेक। ठीक है, को फिर से देखते हैं, रिसेट ऑल पेज ब्रेक क्लिक कर देते हैं। अब देखेंगे आपका डाटा जो है वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, नॉर्मल हो गया, पहले अलग अलग शीट पर आ रहा था। पेज ब्रेक प्रीव्यू पर भी देखेंगे तो आपको बता रहा है ये आपका पेज वन है, ये पेज टू है, पेज वन आपका यहाँ यहाँ तक है, इसके बाद पेज टू है। ठीक है, अपन इसको नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद ये पेज ब्रेक क्लियर है, कोई डाउट? इसके बाद आपने पूछा था प्रिंट एरिया, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, बिल बनाया था, हम अभी कंट्रोल पी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे तीनों बिल पेज पर आ रहे हैं, जबकि हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट को या एक ही कस्टमर को हमें बिल देना है, जिसका बिल है वो, ये अलग कस्टमर का, ये अलग कस्टमर का, ये अलग कस्टमर का है। अगर अपन इसको प्रिंट कर देंगे तो क्या आएगा, इस तरह से आएगा, तो तीनों का एक पर ही चला जाएगा, अपन सिर्फ एक को ही देना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि एक पेज इतनी जगह में ही है। ठीक है, अब हम इसको और कॉपी कर लेते हैं पहले।
वी। इसको हम नाम दे देते हैं सीरियल नंबर 4 और इसको हम नाम दे देते हैं सीरियल नंबर 3। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं सीरियल नंबर 2 जो देखिए अब हम कंट्रोल पी कर रहे हैं तो कहाँ तक आ रहा है, सीरियल नंबर 3 तक आ रहा है, ये भी याद आ रहा है क्योंकि एक पेज में इतना ही बन रहा है, आगे का अगले पेज पर जा रहा है। हम सिर्फ जिस व्यक्ति का बिल है उसी को उतना ही प्रिंट करके देना चाहते हैं। हम क्या करेंगे उतनी जगह सिलेक्ट करेंगे, जैसे बिल नंबर 2 है इसको हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे जितना हमें प्रिंट कराना है टोटल तक। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से प्रिंट एरिया पर, यहाँ से हम सेट प्रिंट एरिया क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप कंट्रोल पी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एरिया अपन ने सिलेक्ट किया था सीरियल नंबर 2 वाला सिलेक्ट किया था वही अपन को प्रिंट में आ रहा है, बाकी और कोई अदर चीज नहीं आ रही। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आए समझना, नहीं आया, आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे सीट को सेव कर दोगे और जब आप अगले दिन खोलोगे और आप कंट्रोल पी करोगे तो जो पहले से प्रिंट एरिया सिलेक्ट है वही एरिया प्रिंट होगा। लेकिन अब आप क्या चाहते हो दूसरा अदर कोई एरिया सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ से आप जाओ सेलेक्ट प्रिंट एरिया पर और अब आप कर दो कंट्रोल पी, ठीक कंट्रोल प्लस शिफ्ट दब गई थी, ये देखो सीरियल नंबर 3 आने लगा। लेकिन आप क्या चाहते हो पूरा ही पेज प्रिंट करना है आपको तो आप क्या करोगे यहाँ से प्रिंट एरिया पर जाओगे, यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दोगे तो पूरा ही पेज आपके सामने प्रिंट में आने लगेगा। क्लियर है इतना, कोई डाउट? उसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसको आपको बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा रहता है वैसा ही प्रिंट में आता है, जैसे कि आप किसी चीज की फोटो खींचते हो वो जितना बड़ा वैसा ही रहता है। आप अगर उसको जूम करोगे तो आपको बड़ा दिखेगा, अगर जूम आउट कर दोगे छोटे रहते हैं, उसका साइज भी तो छोटा रहता है, वो अलग प्रिंटर अलग टाइप से प्रिंट किए जाते हैं। अगर आप इस टाइप से प्रिंट करोगे A4 साइज निकालते हैं अपने ये जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं, अब आप उस पेज को खाली रखो चाहे उस पे 2 वर्ड लिखो या फिर बिल्कुल मत लिखो वो तो पूरा पेज निकालेगा। आप जैसा पेज उसमें लगाएंगे वैसा पेज आपको वो निकाल कर देगा। अब जैसे कि हम यहाँ पर कंट्रोल पी कर रहे हैं, पेज साइज कौन सा है A4, अगर हम यहाँ से पेज साइज चेंज करते हैं, ठीक है लेटर है अभी सिलेक्ट, हम यहाँ से पेज साइज चेंज करते हैं, देखो हमारा जो बिल है आधा करते हैं। ठीक है, आप जैसा पेज ले लगाएंगे जैसा पेज प्रिंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रिंट पेज आता है, छोटा है ठीक है, लेकिन वो प्रिंटर उस टाइप के होने चाहिए प्रिंटर अपने, जैसे कि ये प्रिंटर होते हैं नॉर्मली A4 लगाते हैं, अगर उससे बड़ा निकालेंगे तो फंस सकता है, छोटा निकालेंगे तो फंस सकता है, वो उस पर पहले से उनके पास वो रहता है कि अपन को ये इस बिल इस पर प्रिंट करके देना है इस तरह से देना है, तो पेज लेकिन यही रहता है आप जिस साइज का पेज लगाओगे उसमें उसी साइज का वो पेज पे प्रिंट करके आपको देगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस साइज का पेज लगा रहे हो, फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रीव्यू में पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर प्रीव्यू में पूरा नहीं आ रहा तो प्रिंट में भी पूरा नहीं आएगा, तो आपको इसको डाटा को क्या करना पड़ेगा एडजस्ट करना पड़ेगा जिस भी तरह से आपको करनी है। आया समझ में, कर लेंगे, कोई डाउट है इतने में? अब इसके बाद इसमें बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं इसको बैकग्राउंड में कोई पिक्चर वगैरह लगानी है आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, फ्रॉम आ फाइल यानी आप अपने कंप्यूटर में कोई सेव की हुई फाइल ओपन करना चाहते हैं, बीइंग इमेज सर्च यानी कि आपको ऑनलाइन कोई इमेज सर्च करना है। ठीक है, हम चलते हैं फ्रॉम आ फाइल पर, ब्राउज पर जा रहे हैं। इसमें जाने के बाद आपका जिस भी ड्राइव में वॉलपेपर जो भी वॉलपेपर आप इसमें लगाना चाहते हो आप उस वॉलपेपर को क्या करोगे सिलेक्ट करोगे और यहाँ से ओके कर दोगे तो इस तरह से आपके सामने वॉलपेपर आ जाएगा, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आता। ठीक है, ये नॉर्मली बस आपको देखने के लिए है, इस तरह से आप बैकग्राउंड में कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हो तो आएगी, अगर पिक्चर का साइज बड़ा है तो पूरी सीट को कवर कर लेगी, अगर पिक्चर का साइज छोटा है तो इस तरह से आएगी छोटी छोटी आएगी बार बार आएगी लेकिन पूरी सीट को कवर जरूर कर लेगी। अब आपको ये बैकग्राउंड हटाना है, डिलीट बैकग्राउंड उसी ऑप्शन पर क्लिक कर दो बैकग्राउंड हट जाएगा, लगाना है उसी ऑप्शन पर क्लिक कर दो आ जाएगा। फॉर्म ऑफ फाइल आता है आपको क्या होता है फॉर्म ऑफ फाइल?